आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं जिसको यूज करते हुए आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और आप अपनी चीजें जो है ऑनलाइन सेल कर सकते हैं यूजिंग आस्ट्रा थीम, जो कि फ्री है। मैं कोई भी पेड थीम यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, क्योंकि पेड थीम बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इससे बेटर यही है कि आप फ्री का थीम यूज करें और उसके जरिए आप सब तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। तो व्हाई वी हैव टू पे फॉर अ थीम? अगर आपको थीम बाय भी करना है तो आपका क्लाइंट अगर पे कर रहा है स्पेसिफिक थीम के लिए, तो तब आप वो थीम बाय कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, हम मजीद देखते हैं कि किस तरह से हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करते हैं। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हमारा पहला काम, हमने एक थीम इंस्टॉल करना है जिसका नाम है आस्ट्रा। तो सिंपल मैं चलता हूँ थीम के ऊपर और सिंपल इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आप इंस्टॉल नहीं है तो आपको पता है किस तरह से इंस्टॉल करना है। गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक कर दिया। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अगेन वही सेम इशू। हम चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर और चलते हैं यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए कौन सी टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा ई कॉमर्स के अबाउट। ई कॉमर्स के अंदर जो ई कॉमर्स को परफॉर्म करने के लिए जो हम प्लगइन यूज़ करते हैं उसका नाम है वूकॉमर्स, जो कि ऑलरेडी इस टेम्पलेट के साथ आएगा। अगर नहीं आता तो आप मैन्युअली जाके प्लगइन्स के अंदर जाके वूकॉमर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। उसकी पेड एडोन्स हैं लेकिन उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ऑलमोस्ट। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे और अब हमें चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट। चले हम ई कॉमर्स पे सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट जो है कुछ प्रीमियम भी हैं और फ्री भी हैं। तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी सारे डिज़ाइन हमारे पास मौजूद हैं। ये एक है हमारे पास, ये ई बुक सेल कर रही हैं ई कॉमर्स ऑनलाइन, ठीक है। और ये हमारे पास प्लांट सेल हो रहे हैं, ठीक है, ये भी प्लांट सेल कर रहे हैं। ये स्किन प्रोडक्ट्स हैं, ये फैशन डिज़ाइनिंग के रेलिवेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो लेट्स से हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक फैशन के रेलिवेंट हमें ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो ठीक है हमने ये जो डिज़ाइन है इसको हम चूज़ कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर सकते हैं। मान के चले ये थोड़ा सा सही लगेगा हमें, ठीक है, ओके। तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और सिंपल यहाँ पे सबमिट एंड बिल्ड वेबसाइट। तो एज यूजुअल ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंपोर्ट होने में, तब तक मैं आपको वूकॉमर्स के बारे में बता दूँ। वूकॉमर्स बेसिकली एक प्लगइन है जो कि आपके वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल होता है, और बैकएंड से आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिफरेंट पिक्चर्स मैनेज कर सकते हैं, उनकी प्राइसिंग और शिपिंग और कितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अपनी पेमेंट मैथड्स आप कि किस तरह से मैं पेमेंट एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ। तो यूजुअली लोग जो है वो आपके क्लाइंट्स जो हैं वो पेपाल ही इंटीग्रेट करवाते हैं, पेपाल या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्ट्राइप, तो ये सारे करवाते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे किस तरह से करेंगे। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो इम्पोर्ट हो चुका है कम्प्लीटली और इसके साथ फंक्शनैलिटी भी कम्प्लीट आएगी, राइट। तो यहाँ पर देखें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं और ये पूरी वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है। अब आपको बेसिक तो पता है कि एलिमेंटर को एडिट करेंगे और सिंपल आप लेट्स से मैं आप इसको अगर एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ और आपने ये सारी चीज़ें एडिट करनी है, टेक्स्ट, इमेजेस, ये तो आप एडिट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आए हैं हमारे पास उनको किस तरह से एडिट करेंगे वो आपको एलिमेंटर से आप एडिट नहीं कर पाएंगे। लेट्स से इसको तो आप एडिट कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास लेट्स से किधर गए प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं ये शॉर्ट कोड से आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम फ्रंट एंड पे इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम एडिट विद एलिमेंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो अब इनका तो मुझे आपको पता है किस तरह से इनको एडिट करना है, बटन एंड ऑल, ये तो बेसिक सी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम करने जा रहे हैं इनको एडिट। तो हम बैकएंड पे आएंगे और सिंपल हम डैशबोर्ड के अंदर चलेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एक वूकॉमर्स प्लगइन। तो यहाँ पे इस वूकॉमर्स के दो मॉड्यूल्स हैं, एक ये वूकॉमर्स और एक ये प्रोडक्ट, ओके।
तो हम अगर प्रोडक्ट की जितनी भी मैनेजमेंट है वो यहाँ से होगी, प्रोडक्ट की कैटेगरीज, एट्रीब्यूट्स, रिव्यूज। अब लेट्स से हम ऑल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे। तो लेट्स से ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है, तो इसको हमें एडिट करना है, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। लेट्स से इसको मैं एडिट करता हूँ, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसके जो चेंज है वो मैं लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज ब्लैक ड्रेस पार्टी वेयर, और यहाँ पे मैं इसके अबाउट लिख सकता हूँ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। अब रेगुलर प्राइस है और यहाँ पे सेल प्राइस, आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा कि रेगुलर प्राइस होगी $100 और उसके ऊपर इस तरह से कट का निशान होता है और नीचे की तरफ थोड़ी कम अमाउंट होती है, मीन सेल प्राइस। तो यहाँ से वो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जैसे 149 ओरिजिनल प्राइस है, मैं इसको $99 जो है वो सेल प्राइस कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे प्राइसेस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 149 ओरिजिनल प्राइस थी, अब $99। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब भी कोई इसको ओपन करेगा तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, ये देखें टाइटल हमने चेंज किया था, ये जो डिस्क्रिप्शन शो हो रही है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। प्राइसिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, शिपिंग देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी शिपिंग करनी है, क्या वेट क्या वो होना चाहिए, लिंक्ड प्रोडक्ट, एट्रीब्यूट एडवांस। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको एक्सप्लेन अभी नहीं किया जा सकता, आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, अगर मैं इस पूरे WooCommerce पे कंप्लीट कोर्स बन सकता है तो हम अभी उस तरफ नहीं जाएंगे, जस्ट आपको मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। आगे मजीद आपकी जो सेल्फ लर्निंग होगी वो आपको इसको मजीद सिखा देगी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी सेल्फ लर्निंग पर डिपेंड करती हैं। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये प्रोडक्ट की इमेज आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट की इमेज मेन आ रही है, ठीक है। अब अक्सर आप वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा मेन इमेज आती है, उसके साथ और काफ़ी सारी इमेजेस आ रही होती है, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये मेन इमेज है, अब मैं इस प्रोडक्ट की जो गैलरी इमेजेस, मतलब इसी प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरियंट्स कैसे मैं ऐड करूँगा वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि रेड कलर के अंदर भी ये अवेलेबल है। लेट्स से ये, हाँ जी, तो मैंने इनको ऐड कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको अपडेट करूँगा और अब मैं अपना प्रोडक्ट देखूँगा, तो सिंपल यहाँ पे देखें ये मेन प्रोडक्ट आ गया और इसके नीचे उसकी गैलरी, ठीक है, उस प्रोडक्ट की। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, ठीक, यहाँ से इमेजेस है, तो बेसिक से यही है, ठीक है, प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर। तो आप इनको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो सिंपल आप ऐड न्यू के ऊपर जाएंगे, अपना टाइटल देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे उस प्रोडक्ट के अबाउट, ठीक है, आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्राइसिंग देंगे, यहाँ पे उसकी इमेजेस सेट करेंगे और पब्लिश कर देंगे, और वो स्पेसिफिक जगह पे जहाँ जिस कैटेगरी के अंदर आप उसको पब्लिश करेंगे वो वहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, जैसे पोस्ट पब्लिश होती थी, राइट। तो ये बेसिकली बेसिक सा था प्रोडक्ट के अबाउट। अब यहाँ पे एक और इशू है, लेट्स से कोई भी बंदा आता है, इसको चूज करता है और इसको बाय करना चाह रहा है, तो इसको ऐड टू कार्ट करता है, ऐड टू कार्ट करने के बाद व्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद वो इसको चेकआउट की तरफ लेके जाता है, ठीक। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें ऐड करता है, अपने नाम डिटेल। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सॉरी इट सीम्स दैट देयर इज नो अवेलेबल पेमेंट मेथड फॉर ये स्टेट, मतलब अब पेमेंट आप किस तरह से कलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप सिंपली WooCommerce में आएंगे, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन पेमेंट्स का। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये देखें पेमेंट्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे देखें डिफरेंट पेमेंट मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप क्रेडिट कार्ड से एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं और किस चीज़ से एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, स्ट्राइप से, लेट्स सपोज मैं स्ट्राइप पे सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और काफ़ी सारे अलीपे, वी चैट, इतने सारे बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी, और यहाँ पे पेपाल भी होना चाहिए। ओके, पेपाल अभी यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैं पेपाल के लिए यहाँ पे एक और प्लगइन इंस्टॉल कर दूंगा। यहाँ पे आऊँगा
और सिंपल मैं प्लगइन इंस्टॉल करूंगा पेपाल, मतलब पेपाल के जरिए हम पेमेंट एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। ये किस तरह से काम करता है कि क्लाइंट का पेपाल यहाँ पे वूकॉमर्स के साथ अटैच हो जाएगा, जब भी कोई यहाँ से कस्टमर पेमेंट करेगा वो क्लाइंट के पेपाल के अंदर डायरेक्ट चला जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, पेपाल फॉर वूकॉमर्स, मैंने ये सर्च किया और यहाँ पे हमारे पास आ गया वूकॉमर्स पेपाल पेमेंट्स। सिंपल मैंने इसको इंस्टॉल किया और इसको एक्टिवेट कर दिया। अब अगर मैं सेटिंग्स और पेमेंट्स के अंदर जाऊंगा तो वहां पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा पेपाल का। तो इसके अलावा और जितने भी पेमेंट मेथड्स हैं उनके लिए सेपरेट प्लगइन्स हैं, वो सारे प्लगइन्स जब आप इंस्टॉल करते हैं, लेट्स सपोज किसी ने जैस कैश के जरिए पेमेंट रिसेप्ट करनी है या इजी पैसा के जरिए, या फिर अगर इंडिया के अंदर जाएं तो डिफरेंट वहां पे ऑप्शंस हैं उनके जरिए एक्सेप्ट करना है, तो उनके डिफरेंट प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे वर्डप्रेस की डायरेक्टरीज में। आपने इंस्टॉल करना है और उसका ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें, हमने पेपाल इंस्टॉल किया तो पेपाल के रेलेवेंट हमारे यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। तो कैश ऑन डिलीवरी को तो हम कोई सेटअप नहीं कर सकते, बस कैश ऑन डिलीवरी जब आएगी तो हम उसको, मतलब जब आपकी कंपनी प्रोडक्ट भेजेगी अगला बंदा रिसीव करेगा, कैश ऑन डिलीवरी पे कर देगा बाई हैंड। ठीक है, मैं इसको एक्टिवेट पेपाल करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैं सिंपल इसको एक्टिवेट करूंगा तो मेरा पेपाल जो क्लाइंट का पेपाल की लॉगिन्स होंगे वो आपको यहाँ देनी पड़ेंगे, आपके क्लाइंट का पेपाल इसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शंस नजर आएंगे जो भी आपने सेटअप किए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है, अभी हमने वो बिल्कुल सेटअप किया नहीं था पेपाल। मैं इसको सैंडबॉक्स के रेलिवेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे लॉगिन्स देनी पड़ेंगी, आई डोंट हैव अ पेपाल तो मैं इसको सेटअप नहीं कर रहा। आप क्लाइंट के जरिए क्लाइंट का पेपाल जो है वो यहाँ पे अटैच करेंगे और सिंपल आपका पेपाल अटैच हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो भी पेमेंट मेथड्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, उनको चूज करते हुए जो कस्टमर है ऑर्डर प्लेस कर देगा। लेट्स सपोज मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने रैंडम से डिटेल्स डाली हैं और मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है और आप एज ए एडमिन यहाँ पे आप ऑर्डर्स के अंदर आएंगे तो आपको जितने भी ऑर्डर्स कस्टमर्स की तरफ से आए होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने कहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करना है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। राइट, तो इस तरह से जब आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया तो आप इस पर क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग के अंदर, और आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो आप इसको जस्ट सिंपल क्या कर देंगे, आपके पास पेमेंट भी आ गई, क्लाइंट के पास प्रोडक्ट भी चला गया, आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे कंप्लीट के ऊपर, अपडेट कर देंगे और आपका जो पेमेंट ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास पेमेंट भी आ जाएगी उसकी। तो इस तरह से हम एक वूकॉमर्स या ई कॉमर्स वेबसाइट को मैनेज करते हैं। एक बेसिक सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, मजीद इसको जितना मर्जी चाहे एडवांस करते रहें, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और सब तरह की, इवन दराज, अलीबाबा, इस तरह की वेबसाइट भी वर्डप्रेस में इसी वूकॉमर्स को यूज़ करते हुए बनती है। उसके लिए कुछ स्पेशल एडॉन्स आती है जिनको आप वूकॉमर्स के साथ यूज़ करते हो और उसके ज़रिए किसी भी तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, वूकॉमर्स, ई कॉमर्स, और उसके ज़रिए कोई भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट शिप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम एक वूकॉमर्स ई कॉमर्स वेबसाइट मैनेज करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।